हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम शेख जा रहे हैं इंदिरा मार्केट। ये देखें, ये है बैंकॉक का व्यू और यहाँ पर देखें सब कैसे चल रहा है। और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर चल रहा है टावर। और अभी मैं इस जगह पकड़ा हूँ, यहाँ की गाड़ियाँ चेक करो मेरा भाई, इतना वी आई पी, यहाँ पर क्राउड चेक करो। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से इंदिरा मार्केट और इंदिरा मार्केट देखो वहाँ पर जाते हैं। और अभी कुछ सब समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर लड़के जो हैं वो लड़कियाँ हैं और जो लड़कियाँ हैं वो तो है लड़कियाँ, पर वो लड़कों की तरह बन के घूमती हैं। भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा याशियाँ हैं, इतनी ज़्यादा याशियाँ हैं जिसकी कोई हद नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माहौल है यहाँ पर। और मैं ब्लॉग बनाता मैं जा रहा हूँ यहाँ से और पूरे रोड की आवाम मुझे देख रही है। और अभी पता नहीं है देखो क्या होता है। और मैं यहाँ पर तुम्हारा भाई ब्लॉग ही बना रहा है, पूरे ट्रैफिक वाले मुझे देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, पर मैं बगैर शर्माए किसी से भी अपना मैं ब्लॉग बनाता हुआ नहीं जा रहा। और अभी मैं ब्लॉग ही ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये अभी हम पता नहीं कौन सी मार्केट आ गए, यहाँ पर लड़कियाँ बैठ गया मेकअप कर रही फुल चाइनीज होगा मार्ट। ये पता नहीं क्या है यहाँ पर। और ये चेक कर रहे हैं भाई पुल के नीचे का भी, यहाँ पर माहौल कितना वीआईपी है। और यहाँ पर जितने भी शॉप हैं तकरीबन लेडीज ही चलाती हैं। ये देखें जैसे ये शॉप पर भी टोटल लेडीज ही वर्किंग कर रही हैं। मतलब कि मैंने अभी तक जितनी भी शॉप देखी है सारी शॉप में तकरीबन लेडीज ही काम कर रही हैं। अभी भी मैं यहाँ पर जितनी शॉप देख रहा हूँ सब में टोटल लेडीज स्टाफ है। मैं यहाँ पर जो है लेडीज की डिमांड ज़्यादा है, वर्किंग मिलते हैं और सारी लेडीजें यहाँ पर काम करती हैं भाई। भाई मैं चल चल कर थक चुका हूँ। और अभी ये देखें सामने लड़कियाँ तो भाई यहाँ पर इस तरह बगल साथ नहीं है, पर मैं अभी तक के वॉकिंग कर करके थक चुका हूँ। और इस तरह मार्केट में अभी तक के मेरा पता नहीं कहाँ पर होगी इतना मार्केट, नो डाउट। पर यह है कि आपका भाई बहुत थक चुका है भाई, यार मैं क्या बताऊँ, मैं थक चुका हूँ इतना ज़्यादा नहीं है। ओ चल चल चल, मेरी हालत हो गई है ख़राब। तो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर शावर के पास, चेक करें आप यहाँ बस। ओ भाई भाई भी हो रहा है। और ये चेक करें ये सामने का लोकेशन, और मैं भी यहाँ पर चल रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ इंदिरा मार्केट। थाईलैंड में ढूंढने के बाद एक ये होटल मिला है, ये पाकिस्तानी होटल है। अभी मैंने यहाँ पर बिरयानी बुक करी है और अब देखें पता नहीं कुछ काले का रास्ते हैं मुझे खिलाने के लिए। कल से यहाँ पर मैं किसी ना किसी होटल में जा रहा हूँ पर मुझे मेरे मतलब के खाने की कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। मैं बड़ा परेशान हो चुका था। अभी मैं अपने होटल से कम 11 किलोमीटर दूर आया हूँ यहाँ पर पाकिस्तानी खाना खा रहा हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑर्डर करा है खाना, मेरी कोल्ड ड्रिंक आ गई है, मेरी पानी की बोतल आ गई है। और ये पता नहीं ये फिर से इसने गाजर माजर क्या दे दिया, वल्ला रहम करे बिरयानी कौन सी नस्ल की होगी। देन आई एम वेटिंग। और भाई मुझे बहुत बहुत तरस चुका हूँ मैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी अपना मतलब खाना नहीं मिला है। बिरयानी आ गई थी, मैंने ये देखें किसी बिरयानी खाई है, मुझसे खाई नहीं जा रही थी क्योंकि पूरी बिरयानी में अदरक अदरक हो रहा था। करने वाला हूँ बाहर, ये मैंने इंदिरा मार्केट। और अभी मैं इस रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, वाली रेस्टोरेंट में।
यानी आई थिंक 4000 के ऊपर 5000 रुपये की पाकिस्तानी बिरयानी। ये हमने खा लिया है खाना, हम करते हैं और ये देखो ऑटोमेटिक रेट खुलता है और अपने यहाँ खा के और अभी ये पी रहा हूँ मैं खोलते हैं। कितनी वी आई पी मार्केट आप चेक करें इधर का व्यू, ओ हो वाह बहुत ज़्यादा मार्केट है यहाँ की इंदिरा। और अभी नो डाउट के आधे आधे कपड़े पहनकर बैठी हुई है भाई। फाइनली आपका भाई आ गया है मार्केट में और यहाँ का ये व्यू चेक करें भाई मेरा भाई। और यहाँ पर टूरिस्ट लोग आए हैं और यहाँ पर ये सब देखें, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अपने मतलब के ठेले स्टॉल वगैरह वो खुद ही लगाती है और खुद ही बेचती है। यहाँ पर आना होगा खड़ा हूँ, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बच्चे देखे जो भी होगा कुछ बेहतर ही होगा। और यहाँ देखें कितने अच्छे अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, कितनी वी आई पी वी आई पी फ्रॉकें लगी हुई हैं और ये इतनी आज आधे कपड़े ये है कि चीज़ें यहाँ पर एक से बढ़ के क्वालिटी की है नो डाउट। ये देखो यहाँ पर सारी लड़कियाँ अपने कपड़े खुद ही बेच रही होती हैं और लेने वाली भी यहाँ पर खुद ले रही होती हैं। भाई अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो भाई अभी देखो यहाँ पर जितने भी सैलून वगैरह हैं कोई भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब लड़कियाँ खुद ही करती हैं, ब्लॉगिंग वगैरह भी सारी चीज़ें खुद हो रही होती हैं। दैन अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी देखो इंदिरा मार्केट का सर्वे कर रहा हूँ मैं और देख रहा हूँ कि भाई इंदिरा मार्केट में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। VIP इंदिरा स्क्वायर पूरी गर्दन घुमाई नहीं थी मैंने पहले से दिखा नहीं इंदिरा स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर आप देख लें टोटल चाइनीज़ और जापानीज वाले साले ये लोग ही दिख रहे हैं, थाई माई वाले दिख रहे हैं, ताकि मुझे अपनी कंट्री वाले कोई भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। और मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मुझे आया यहाँ पर सेकेंड डे है बट एक भी पाकिस्तानी अभी तक के मुझे मिला नहीं है, ना कोई उर्दू बोलने वाला है यहाँ पर, सिर्फ टोटल इंग्लिश ही बोल रहे हैं सब यहाँ पर और इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हुआ हुआ हूँ। ओह अल्लाह मार्केट में और ये देखें ये है इंदिरा मार्केट, इंदिरा मार्केट का व्यू चेक कर रहा है बहुत ही वीआईपी सिस्टम चल रहा है। ये देखें सामने क्या क्या है यहाँ पर और मैं भी मार्केट को विज़िट कर रहा हूँ, विज़िट में भाई बहुत प्यारी मार्केट है यहाँ पर और अभी तक मैं देख रहा हूँ यहाँ ये बाल हरे हरे और आगे सुनसान हो गया, ये क्या हो गया आगे मार्केट ही ख़त्म हो गई। चले हम गो बैक ले लेते हैं क्योंकि ये मार्केट यहीं पर ही एंड हो गई है। भाई अभी मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ रोडों पर और जहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ VIP गाड़ियाँ हैं और आगे कपड़ों में लड़कियाँ हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर कि गंदगी भरी हुई है यहाँ पर, इधर भी देखो सिर्फ उधर गंदगियाँ भरी हुई हैं नो डाउट नो रिक्वेस्ट। भाई बहुत अय्याशी वाली कंट्री है ये और खुलती अय्याशी है यहाँ पर, ये भाई आपको हम क्या बताएँ इतना माहौल इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और ना मैं सोच पा रहा हूँ, मैं तो सोच कर आया था कुछ और यहाँ पर हो गया है कुछ और। और भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं कपड़े हैं वो सब तो बहुत VIP है नो डाउट, यहाँ पर क्वालिटी भी बहुत VIP है, यहाँ का खाना भी हज़म नहीं हो रहा है, यहाँ का पानी भी हज़म नहीं हो रहा है, यहाँ की कोल्ड ड्रिंक भी हज़म नहीं हो रही है। दैन यहाँ पर जेंट्स आइटम भी बहुत VIP अवेलेबल है और लेडीज़ आइटम भी बहुत VIP अवेलेबल है बट गंदगी बहुत है यहाँ पर।
ऐसा कंट्री बहुत साफ सुथरी है, पर यहाँ पर जो लोग हैं वो टोटल करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आए थे। यहाँ पर सिर्फ अयाशी भरी हुई है, जिधर देखे वहाँ पर सब आधे आधे कपड़ों में लड़कियाँ घूम रही हैं। भाई तुम झूठ बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बात है, ये यहाँ पर क्या चीज़ चल रहा है और क्या चीज़ चल रहा है। ये देखें, मैं बिंद्रा मार्केट से वापस रिटर्न ले चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और यहाँ पर वंडी चल रही है भाई, बैंकॉक में वंडी चल रही है, ये देखें, ऐसा लग रहा वंडी है, लग ही नहीं रहा ये बैंकॉक है। यहाँ पर वंडी वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर गंदगी क्या यार, यहाँ पर माहौल ही ऐसा है कि बस क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ देखें फुल 109 पर हैं, आधे आधे कपड़ों में लड़कियाँ घूम रही हैं। इन लोगों को अलाव है कि भाई हम यहाँ पर ऐसे ही घूमेंगे, पर सीन ये है कि मैं तो अलाव नहीं है ना, अब तो मुस्लिम है, पर ये लोग सारी फॉरेन हैं, इन लोगों को अलाव है और ये यहाँ पर ऐसे ही घूमती हैं। और मेरी कंडीशन तो बहुत डाउन हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पर मैं फिर भी अपना ब्लॉग आगे कर रहा हूँ कि भाई मैं आपको बैंकॉक में ऑल एक्टिविटियाँ दिखाऊँ और सारी चीज़ें समझाऊँ और हर एक चीज़ों के बताऊँ। दैन मैं बहुत अब थक चुका हूँ यार, नो डाउट मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरे हाथ में भी हो गया है दर्द। तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपना 5 स्टार है, आप ज़रा गौर करें, ये नहीं लग रहा ऐसा, ये 5 स्टार है। ये बिल्कुल 5 स्टार चौरंगी लग रही है मुझे, बस ये जो यहाँ की लड़कियाँ हैं ना ये बिल्कुल 5 स्टार वाली नहीं लग रही हैं। दैन ये है बिल्कुल 5 स्टार वाला ही रोड, सेम टू सेम, वैसे ही पुल है, वैसे ही सिग्नल है। और ये क्या बना हुआ भाई, ये कोई बाजार बना, पता नहीं क्या बना हुआ ये। ओ भाई, यहाँ पर जो है अंग्रेज भरे हुए हैं सिर्फ, देखे हैं और भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और जैपनीज चाइनीज और पता नहीं थाई माई वाले हैं भरे हुए कचरा पट्टी। और ये देखें ये वाला भी भाई, ये कहाँ तक के शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ये है कि मैं अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर यार यहाँ पर भी बहुत वैभी ड्रेसिंग है, आप देखें तो आप चेक करें। और यहाँ पर जितनी भी दुकान है, जितनी भी जो भी है यहाँ पर, टोटल लेडीज सेल करती है, सेल परचेज जो भी है टोटल लेडीज़ का काम है। जेंट्स यहाँ पर कोई भी नहीं होता ना, वो कोई काम करता है यहाँ पर, काम है टोटल लेडीज़ होगा। ये सीन है भाई, अब मैं बहुत थक चुका हूँ यार, भाई मैं पैदल से होकर थक गया था तो मैंने अभी राइड बुक कर लिया बोल्ड ऐप से। ये है भाई राइडर, ये बाइक पर बैठा कर मुझे लेकर जा रहे हैं मुझे मेरे होटल तक। और भाई व्यू चेक करो, माशाल्लाह बैंकॉक भाई बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। पर यार चलना बहुत पड़ रहा है, चल के तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। और आप जैसा ये देखें यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह कितना जाम चल रहा है। भाई मैंने चलाया दिमाग, बहुत दूर जाकर मैंने खाया है खाना, फिर भी मुझे खाना पसंद नहीं आया, पर मैंने पानी कोल्ड ड्रिंक के साथ ज़बरदस्ती खा लिया कि जो पेट को भरना था। और अब मैं चल रहा था तो मुझे डाउट था ये खाना पूछते पड़ते तक मेरा था मुझे अगर फिर लग जाएगी तो। और खाना ऐसा नहीं था कि मैं पार्सल भी करवा लूँ, क्योंकि भाई खाने को हम गलत नहीं बोल सकते, पर यह कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने पार्सल नहीं किया, बस ये खा लिया, मैंने बस वेट कर लिया, ये रात तक यात्रा हो गया। और भाई ये राइडर है ड्राइविंग का मैं बहुत भाई, ये मेरा राइडर है, मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ और ये हो रही है ड्राइविंग। और भाई अभी वो चेक करो, ये वंडी यहाँ का था, पाकिस्तानी वंडी भी चल रही है यहाँ पर, पाकिस्तानी चिंची भी है यहाँ पर, अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ पर चिंची भी है। अगर भाई बैंकॉक की चली रख रहे हो यार, ये देखें
रहा हूँ सीढ़ियाँ और अपने बॉल कर चुका हूँ और मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। फिर आराम करने के बाद फिर जाऊँगा बाहर रात में, अब रात नाइट वॉक करेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल पर। ओए होए 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 होए